हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ क्वर्की व्लॉग। बहुत टाइम बाद ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मैं व्लॉग कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है इस क्वर्की मंथ में आपने प्रॉपरली एक व्लॉग नहीं देखा है। एंड सिंस इट इज़ माई बर्थडे मंथ, मैं थ्रू आउट दिस मंथ क्रेजी चीज़ें कर रही हूँ। बाई क्रेजी आई मीन लाइक आई एम स्पेंडिंग लाइक क्रेजी ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट वेट फॉर पीपल टू जस्ट मेक मी फील स्पेशल। आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट टू माई सेल्फ, एंड दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट वॉट आई वॉन्ट। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ये सब करने में, एंड आई थॉट ठीक है आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत ऐसे जिस दे दी जाए, शेयर किया जाए। बट टुडे इज़ पर्टिकुलरली अ वेरी लाइक बिजी वर्क डे, सो मैं थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करूँगी, यू नो, बैलेंस बैलेंस मेरा जो टैटू है। यूट्यूब वीडियो ये व्लॉग तो करना ही है, तो ऑन गोइंग पूरा दिन मैं व्लॉग करती रहूँगी। इट्स अ पार्ट ऑफ माई वर्क, एंड आई डू हैव टू फिल्म अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स टुडे, लाइक वॉट आई ऑर्डर्ड वर्सेज वॉट आई गॉट वाले, जिसमें बहुत सारे ऐसे आउटफिट चेंज करके यू नो मॉडल करना होता है कैमरे के सामने। एंड देन आई हैव टू फिल्म अन ईद मेकअप लुक टुडे, बिकॉज दो दिन बाद ईद है एंड मैं ईद से एक दिन पहले वो वीडियो पूरा डालना चाहती हूँ। एंड देन आई एम गोना गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग वेरी स्पेशल, लाइक समथिंग दैट आई हैव बीन आईइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग। बहुत ज़्यादा सुबह सुबह का प्रवचन हो गया है एंड बहुत लॉन्ग एस इंट्रो हो गया है, अब सीधा मुझे डाइव इन करना है वर्क पे। सो लेट्स गो इनटू द स्टूडियो, थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं, लेट्स फिल्म दिस मेकअप लुक। आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। दिस वाज द लॉन्गेस्ट इंट्रो ऑफ ऑल टाइम, बट विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Just got done. I can see my battery 16% ho rahi hai. I started at 88 and it was such a hectic shoot. This is for one shot जो कि probably 30-40 second का होगा, but the amount of effort I'm putting in this, I think क्योंकि I'm new to this shots and reels game, I don't know कि मुझे कितने shots लेने चाहिए. So we'll see, we live and we learn, and mistakes करने से ही पता चलेगा. But I think I spent like 1.5 or 2 hours in this, but I absolutely love this look. I hope आप लोगों ने अभी तक वो video vlog shots देख लिए होंगे. Yeah, everything about this look is just amazing. And मेरा studio इतना mess हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा संभाल लिया है. I know it still looks like a mess right now, but like all the dabbas are in the corner. ये चीज़ तो ठीक थी, यहाँ से मैंने कैमरा हटाया है, ये चीज़ मैंने पूरी साइड में कर दी थी बिकॉज आई नीडेड दिस वाइट बैकग्राउंड। ये मेरे कपड़े हैं जो अभी मुझे फिर से बदलने हैं, एंड ये जो रवि के हैमलेस के पॉलिथिन है, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं फॉर शॉर्ट्स और वीडियोज़ जो आगे मैं प्लान कर रही हूँ। एंड आई एम गोना शो यू गाइज हाउ द पिक्स टर्नड आउट। सो दिस इज़ द फुल आउटफिट पिक्चर दैट इज सो ब्यूटिफुल। आई होप आप लोगों ने ये वाला देखा है, and this is me wearing the earring. जैसे type के ethnic shorts काफ़ी अच्छे लगते हैं. Also this hairstyle is so cute. Then we have this one right here, then we have this one जिसमें मैं ऊपर देख रही हूँ, and मैंने ना कैमरे के ऊपर चुन्नी डाल दी थी ब्लू वाली, ताकि ये जो फ्रेम्स है वो थोड़े से ब्लर्ड आउट हो जाए, एंड इट जस्ट मैचेज विद द अस्थेटिक। एंड देन मैंने कैमरे के ऊपर पूरा ऐसे घूंघट उड़ा दिया था, विच यू गाइज मस्ट हैव सीन इन द टाइम लैप्स, एंड ये एक ब्लर्ड पिक आई है, देन आई हैव इसकी थोड़ी सी क्लियर पिक ऑल्सो, एंड एवरीथिंग लुक्स सो अमेजिंग। मुझे ना ये वाला ट्रांजिशन बहुत पसंद आया, जिसमें मैं एकदम से चुन्नी फेंकती हूँ एंड ये बदल के मेरे आउटफिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस लुक्स वेरी प्रिटी, लेट मी जस्ट शो यू गाइज। हाँ, चांद सिफारिश। ओके, सो अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ, इसको रेंडर पे लगा देती हूँ, 2 मिनट में रेंडर हो जाएगा, एंड देन आई हैव टू गो डू अ सीक्रेट थिंग जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बट आई जस्ट प्लेस इट्स एंड बिट्स हियर, लेट्स गो। हेलो, सो आई एम बैक होम, अभी शाम हो चुकी है, द सीक्रेट टास्क वेंट कम्प्लीटली लाइक परफेक्ट, सो आई एम रियली हैप्पी। उसको थोड़े 15-20 दिन लगेंगे कम्प्लीट होने में, सो जब वो होगा तभी मैं आपको बर्थडे के अराउंड दिखा दूंगी, बट इट्स टाइम टू डू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टेक स्टीम, बिकॉज मैंने अभी तक जितने शॉर्ट्स पोस्ट किए हैं एंड जो शुरू के मैंने एक दिन में 7-8 रिकॉर्ड कर लिए थे, मुझे इतनी कंप्लेंट्स आ रही है आप लोगों से कि आपकी आवाज़ इतनी
डिफरेंट क्यों लग रही है एंड क्या आपको जुकाम हुआ पड़ा है एंड आई एम जस्ट रियली हाँ यार जुकाम हो गया है एंड अभी मेरा वो जुकाम वगैरह ना हिमाचल से आने के बाद ठीक हो गया है बट देर इज़ दिस खराश जो जा ही नहीं रही है बीच में ठीक हो गई थी एंड देन फिर से मेरी खांसी इतनी बढ़ गई सो मेरे मॉम डैड मेरे 10 दिन से पीछे पड़े हैं स्टीम ले ले स्टीम ले ले स्टीम ले ले एंड आई एम लाइक ठीक है मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ स्टीम लेते हैं दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन आस्क मी टू टेक स्कीम स्कीम वाओ स्टीम बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं एंड अभी आई जस्ट टुक अ बाथ डिड माई स्किन केयर फीलिंग सुपर फ्रेश इट वॉज क्वाइट हिलेरियस आज बिकॉज मैं ना शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर रही थी यू गाइज नो आई एम पोस्टिंग एवरी सिंगल डे सो आई रिकॉर्डेड अनस्पॉन्सर्ड हेयर केयर रूटीन अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग फॉर इट सो मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी एंड ट्राईपॉड मैंने अंदर अपने बाथरूम के सेट किया था एंड इट वॉज लिटरली सो फनी बालों में शैम्पू लगा रही थी शॉर्ट ले रही थी देन बाल्टी के पास जाके धो के आ रही थी बैठ के फिर कैमरे के सामने अपना टॉवल बांधा फिर कंडीशनर लगाया इट वॉज सुपर हेक्टिक बट आई डिड इट आजकल मौसम ऐसा वियर्ड सा हो रहा है ना कभी एकदम से गर्मी हो जाती है कभी एकदम मानसून और उसके बाद वाली चिपचिप हो जाती है एंड इस वेदर कंडीशन में एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल टुडे फेस एक्ने या फिर डल एंड ड्राई स्किन एंड मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है टू यूज ऑन द फेस एंड टू कर्ब दैट बट देर आरंट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो बॉडी एक्ने और बॉडी की डलनेस और ड्राइनेस पे फोकस करते हैं मैं आजकल यूज कर रही हूँ द डर्माको के सोप्स फॉर्मुलेटेड विद नरिशिंग इंग्रीडियंट्स जो जेंटली स्किन को क्लीन करते हैं विदाउट ड्राइंग इट आउट एंड दे ऑल्सो हैव दीज बॉडी वॉशेस पावर्ड विद पेंटावाइटिन जो हाइड्रेशन को बूस्ट करता है एंड लॉक्स इन मॉइस्चर फॉर अप टू 24 आवर्स सो डर्माको के बॉडी वॉश और सोप्स के दो वेरिएंट्स हैं जो अलग अलग बॉडी कंसर्न्स को टारगेट करते हैं दिस इज द सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश एंड सैलिसिलिक एसिड सोप फॉर बॉडी एक्ने एंड नेक्स्ट वन इज विटामिन सी बॉडी वॉश एंड कोजिक एसिड सोप फॉर इवन टोन एंड ब्राइट स्किन तो ये जो 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है इट इज पावर्ड विद सैलिसिलिक एसिड जो आपके डेड स्किन सेल्स बॉडी से एक्सफोलिएट करते हैं स्वीप आउट करते हैं दे टग आउट एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज एंड रिस्ट्रिक्ट ब्रेकआउट ये सल्फेट फ्री है इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है which makes it perfect for everyday bathing routine. इससे बॉडी एक्ने नहीं होते हैं, ये स्किन को डीपली क्लेंस करता है. Now, इसके साथ डर्माको ने सोप भी लॉन्च किया which is salicylic acid plus charcoal daily syndet soap. This is the dream team of salicylic acid, charcoal and tea tree oil. ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, इन्फ्लेमेशन को स्मूथ करेगा while eliminating oil as well as bacteria. You guys know मैं salicylic acid की बहुत बड़ी फैन हूँ for my oily skin because it's a BHA. It's a keratolytic agent जो स्किन के डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है एंड एक्ने और ब्लैक हेड्स को टारगेट करता है. You just have to pour a coin sized amount of the body wash on your hand gently rub it on your wet body rinse off with water and towel se dry kar lo and since these are active ingredients I would recommend inko puri tarah use karne se pehle ek bar patch test zarur kar lena also active ingredients agar apni body ya face pe lagate ho so make sure ki aap ek broad spectrum sunscreen zarur use karo ye jo dermaco ke sare new products hai na they are all fragrance free and inka ek young scientist initiative hai in which every time you buy from them dermaco will link your order to a child that they help educate with bhumi unhone pledge kiya hai to help 10000 plus students across the year meri oily skin ke liye definitely the favorite is salicylic acid wala body wash and if you want to try these products out you can use my code aditi2022 for 20% off on dermaco's official website and these products are also available on amazon flipkart as well as nykaa without the discount code but just keep in mind ke ye jo discount code hai isse mujhe koi bhi extra paid affiliate commission nahi milta hai it's just for my quirky squad bas fatafat se ab main apne baal blow dry kar leti hu because we have a lot of work today so let's just get to it blow dried my hair for this cuter's look aaj ka blow dry bahut hi acha hua hai I used extra conditioner today but looks very pretty let me just show you guys my outfit this is the outfit for the day this is a crop shirt that I got from H&M very pretty bahut hi breezy and iske andar na small si aisi cherry cherry bani hai it has like a क्या बोलते हैं उसको कोरियन के ड्रामा वाइब टू इट बहुत ही प्रिटी है ये एंड देन दिस जीन्स दिस माय लव फ्रॉम सरोजनी नगर फॉर 400 रुपीज ओनली बट दिस इज सो कंफर्टेबल नीचे मैंने अपने क्रॉक्स पहने हुए हैं एंड दिस इज द आउटफिट फॉर द डे आई हैव टू टेल यू गाइस सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज द न्यूज दैट आई वांटेड टू ब्रेक टू यू गाइस आई थिंक मैंने पार्शियली इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बता दिया पीपल वर आस्किंग मी आपका घर कब तक रेडी होगा बिकॉज आई सेड इन माई हाउस अपडेट के प्रॉबेबली मेरे बर्थडे तक हो जाएगा बट अ लॉट ऑफ डिलेज हैव बीन हैपनिंग बिल्डर्स के साथ हमेशा ये होता ही है तो दो तीन पंगे चल रहे हैं अभी वी आर लुकिंग इन टू इट आई कॉन्ट बिलीव कि मेरे
ड्रीम थिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी अड़चने आ रही है, बट वी आर डीलिंग विद इट बैक एंड पे. एंड द सैड न्यूज़ इज दैट येस वी वोंट बी एबल टू शिफ्ट अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर, वो भी होपफुली है जब ये सारे इशू सॉर्ट हो जाएंगे. सो इट्स सैड, इट्स वेरी सैड, बट पहले दो दिन मैं थोड़ा सा ऐसे रही थी जब मुझे न्यूज़ पता चली थी कि कुछ हो रहा है, एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक ओवर इट. आई एम लाइक ठीक है, जब होगा तब होगा, हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है, आई एम नॉट सपोज टू मूव अभी. सो या दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग. बट ये घर हमें काफ़ी आजकल ना इशू दे रहा है, सो वी आर कॉन्टम्पलेटिंग कि जब तक हम अपने खुद के घर में शिफ्ट हो, हम यहाँ से शिफ्ट होके किसी और रेंट वाले घर में चले जाए, बिकॉज बैक एंड पे इस पर भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एंड वी बिन गोइंग बैक एंड फोर्थ विद द मकान मालिक एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी आर सर्चिंग फॉर अ न्यू हाउस इन वेस्ट दिल्ली एज ऑफ नाउ, जहाँ हम रेंट लेने जा सके. एंड हमारे यहाँ पड़ोस में एक आंटी हैं जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छे घर के बारे में बताया सपोजिटली. सो मी एंड माई मॉम एंड माई डैड आर गोइंग टू जस्ट चेक आउट द हाउस इफ वी लाइक इट, एंड प्रॉबली वी कैन मूव इन. हमने बीच में भी आई थिंक 3-4 हाउसेज देखे थे. आई डेंट टेक यू गैज अ लॉन्ग, मैंने ब्लॉग नहीं किया था बिकॉज आई वॉजेंट रियली श्योर, एंड वी वर होपिंग दैट जो अपने खुद के घर का इशू है वो जल्दी सॉर्ट हो जाएगा. बट नाउ दैट इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम, आई थिंक के यहाँ पे ही कोई घर लेना जस्ट बेटर रहेगा. सो वी अगेन फाइंडिंग अ न्यू हाउस फॉर रेंट दिस टाइम, एंड या लेट्स गो, लेट्स सी के वो घर कैसा निकलता है. आई डोंट नो इफ पीपल आर लिविंग देयर या वो घर खाली है. इफ आई कैन ब्लॉग एंड शो यू गाइज आई विल, इफ आई कांट मैं घर आके बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा, बट लेट्स गो. माई लेंसेज एंड अपेरेंटली उसमें कुछ तिनका था, सो मुझे फिर से ओ गॉड माई आईज आर सो वॉटरी, मुझे फिर से वो करना पड़ा, सोल्यूशन डाल के अच्छे से लेंस साफ करके करना पड़ा. आई डोंट नो हाउ इट हैपन्ड, आई होप दिस डजेंट ब्रेक इन साइड माई आई. मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मेरी आँख के अंदर ऐसे लेंस के 2 टुकड़े हो गए थे, फिर मैं ऐसे चिमटे करके निकाल रही थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हेयर इन माई घर वाला स्टूडियो अगेन, बिकॉज कल मैंने आपको बताया था मुझे एक वॉट आई ऑर्डर्ड वर्सेज वॉट आई गॉट करना है, आई फॉरगॉट अबाउट दैट. आई वॉज सुपर टायर्ड कल, सो हेयर इज ऑल द सामान एंड आई एम गोइंग टू डू अ वॉट आई ऑर्डर्ड वर्सेज वॉट आई गॉट. इट्स नॉट मिंत्रा, मैंने ये छुपा के अंदर रखा हुआ है, बट इट्स नॉट मिंत्रा. मिंत्रा का तो आपने आई होप देख लिया होगा. आई हैव लाइक 1, 2, 3, 4 या 5 आइटम्स, एंड मुझे इन्हीं आइटम्स को पहन पहन के शॉर्ट्स रिकॉर्ड करना है, देन मैं उसको एडिट भी कर लूँगी. ऑल्सो ईशान हैज़ कॉल्ड मी टू बजट बाइट्स फॉर सम वर्क, सो इसको शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद आई एम गोइंग टू गो देयर, एंड आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा. बट हाउस अपडेट, वी लाइक्ड इट, बट वहाँ का ना मटेरियल थोड़ा अजीब सा था, एंड ऑल्सो देर वॉज दिस वाटर इशू देयर ऑल्सो, क्योंकि ये सेम हमारे एरिया में ही है. सो द मेन इशू दैट वी आर हैविंग विद दिस हाउस इज ऑल्सो रिगार्डिंग वाटर. आई डोंट थिंक कि इस एरिया में हम घर रेंट कर पाएंगे. द खोज इज जारी यू गाइस फॉर द न्यू हाउस फॉर रेंट, बट लेट्स गो, लेट्स जस्ट चेंज ऑल द क्लोज. माई मॉम इज गोना हेल्प मी. इसको मैं एक ट्राईपॉड पर सेट कर दूंगी कैमरे को. लेट्स जस्ट ब्रिंग आर रिंग लाइट विद अस. Carrying the tripod and the clothes, and my mom is carrying the ring light to the drawing room. Okay, so I just got done with the try on. This is the last thing that you're gonna see in the shots. I am so tired. I don't think मैं अब इसके बाद कुछ और करने वाली हूँ. I don't know if I'm gonna go to Budget Bites or not. I'm gonna rest for a bit and then decide के जाना है या नहीं जाना है, but जान निकल गई है. Let's just rest for a bit. Welcome to Budget Bites. I'm on the counter today. So I'm at Budget Bites with Mr. Khanna. Huge as in. We are both huge. Yaar, itna kya ho gaya? So since I didn't have lunch, I'm gonna have some creamy momos. Putting you on the spot. Yeah,
I'm back home, changed into my PJs. First of all, माफ़ी प्लीज़, मैं अपोलॉजीज़ अपनी पेश करना चाहूँगी आपको कि ये व्लॉग में अगर आपको थोड़ा सिंक नहीं दिखा या आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत अच्छी तरह व्लॉग किया गया एस्थेटिक वाली सेंस में, दैट इज़ ट्रू एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज इट वॉज जस्ट, मैं अभी खुद नहीं पता मैं कौन से ऑटो पायलट मोड पर चल रही हूँ. आई हैव टू फिल्म अ लॉट एंड मुझे लग रहा है कि हाँ, ये रोज़ पोस्ट करने का थोड़ा सा मैंने पंगा ले लिया है, बट एट द सेम टाइम आई एम रियली एन्जॉइंग इट. एंड जब आप लोगों का वो रिस्पॉन्स मिलता है, यू गाइज आर ऑल्सो एन्जॉइंग इट, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि वर्थ इट है यार. आई एम लाइक लिटरली, मैं रायते की तरह फैली हुई हूँ हर जगह. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई रियली वॉन्टेड टू शो यू गाइज सम प्री बर्थडे गिफ्ट्स फ्रॉम मी टू माई सेल्फ. मैंने आप लोगों को ब्लॉग की शुरुआत में बताया था, आई हैव बीन स्पेंडिंग लाइक क्रेजी ऑन माई सेल्फ. आई ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम नायका, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड इंस्टा फैम नोज के मेरा पहले 25,000 का बिल था, उसको मैंने कट 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 करके 6,000 का बिल किया. सो एक ही चीज़ नायका की दिखाऊंगी एंड दैट इज अ परफ्यूम. सो दिस इज ओलंपिया बाय पाको रबान. एंड ये इसका एक टेस्टर सैम्पल मेरे पास था 1500 रुपए का, जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड आई टोल्ड यू गाइस, जब वो खत्म होगा आई विल गेट द फुल साइज. एंड आई थिंक बर्थडे मंथ इज द बेस्ट टाइम, यू गेट द बेस्ट एक्सक्यूज फॉर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन वेरी इलीगल वेज. आई फील ब्यूटिफुल गॉर्जियस बॉटल लुक्स लाइक, इट्स जस्ट सो प्रिटी एंड कॉपर. एंड इसको देख के आपको लगता है कि इसमें कुछ रस भरा हुआ है. ये बिल्कुल ऐसे ट्रॉफी की तरह लगती है, लाइक मैं जीत गई वो वाली. अनदर थिंग दैट आई ऑर्डर्ड फॉर माई बर्थडे, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग माई बर्थडे आउटफिट बिकॉज मुझे अभी पता भी नहीं है कि वो मैं आउटफिट एक्चुअली बर्थडे पे पहनूंगी या नहीं पहनूंगी. सो आई डोंट वांट टू मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, बट उस आउटफिट के साथ मैंने इयररिंग्स मंगा लिए बिकॉज इन केस आई डिसाइड टू वेयर इट आई विल. सो ये अमामा की है. मैंने कोमल पांडे को इस ब्रांड की बहुत सारी ज्वेलरी पहने देखा था. आई ऑर्डर्ड दिस सन सनननी टाइप के इयररिंग्स जो कि थोड़े रेनबोइश टाइप के में है, लाइक इसमें ना थोड़ा आपको टिंट मिलेगा व्हेन आई मूव इट. एंड नीचे से बहुत सही है, मुझे लगा था थोड़े से पेटीट होंगे बट दीज आर ह्यूज. आई होप कि मैं इसमें अच्छी लगूं, मुझे तो ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगे. नाउ आई हैव ऑर्डर्ड मोर गिफ्ट्स फॉर माई सेल्फ, वो मैं धीरे धीरे रिवील करूंगी ऐसे एकदम प्याज की लेयर्स की तरह. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू अनाउंस दिस वीडियोज गिव अवे. हर वीडियो में मैं एक गिव अवे कर रही हूँ. सो आज के वीडियो के गिव अवे के लिए जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपेशन होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. बट बेसिकली मैं क्या देने वाली हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने किया था एंड इट वॉज सो मच फन. यू गाइज आर गोना गेट a mystery box from my side, like a quirky mystery box worth ₹10,000. So उसके अंदर ना आप लोगों ने जितना भी जो मेरे true followers हैं, जो brands मुझे पसंद है, bougie brands, perfumes, everything that आपने मेरी videos में देखा, मेरे likes और interests हैं, वो वाली चीज़ें in terms of skin care, makeup, beauty, fashion and just accessories, सब कुछ like a girl's dream, वैसे type का आपको ड्रीम क्वर्की मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा. ये व्लॉग आज थोड़ा ऐसे जिग्सो पजल जैसा हो गया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट आई होप नॉनदलेस यू एंजॉयड सीइंग माय लाइफ इन पीसेस. इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर आप और भी वीडियोस चेकआउट करो. अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कॉमेंट जरूर करके जाना. एंड आई एम अपलोडिंग न्यू पीस ऑफ कॉन्टेंट एवरी डे इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट, क्योंकि शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन आपको जनरली नहीं मिलते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ @quirkymiss एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.